हेलो दोस्तों, लाए हूँ आपके लिए एक और स्टॉक थ्री इन्फोटेक। लेटेस्ट अपडेट्स, थ्री इन्फोटेक लेटेस्ट न्यूज़। और आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, जैसे लास्ट 2 या 3 वीडियो में आपको बताया, बिल्कुल वैसे ही स्टॉक बिहेव कर रहा है, राइट? तो कोई टेंशन की बात स्टॉक में नहीं है, मतलब टेंशन की बात मतलब जैसे मैंने बोला है वही हो रहा है बस, ठीक है? जो अब आपको क्या करना है स्टॉक में, कल भी बोला था, आज भी बोला हूँ, बोल रहा हूँ, अभी भी मौका है, बेच दो अगर आपके पास है। अगर आपने 8 रुपये 9 रुपये के लेवल्स में लिया है ना भाई, आप ट्रैप हो जाओगे बहुत बुरी तरीके से, तो अभी बेच दो। अगर आपको नया इसको स्टॉक में बाय करना, नहीं आपको मौका मिलेगा फ्रेश एंट्री का, वो मिलेगा 9 रुपये 50 पैसे के आसपास। इससे पहले फ्रेश एंट्री मत करना, ठीक है? मतलब कि ये एक ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है? अगर आपको कभी भी टॉप हाई में बाय करना होता है स्टॉक को, तो वहाँ पर वेट किया करो कोई ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी की, ठीक है? तो यहाँ पर 9 रुपये 50 पैसे में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बन रही है, तो वेट करो। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, अब बायर की सोच मत, सोचना भी मत थ्री आई इन्फोटेक में तो भाई, ठीक है? अगर आपने हाल फिलहाल में बाय किया, आज बाय किया, कल बाय किया, परसों बाय किया, तो अभी के अभी इसमें एग्जिट हो जाओ। ये स्टॉक मुझे डेफिनेटली यहाँ तक आते दिख रहा है, जो निकल के आता है आपका कितना रुपया आप देख सकते हो, 5 रुपये 50 पैसे। तो भाई अभी भी मौका है थ्री आई इन्फोटेक, डेफिनेटली आपको अपने पोर्टफोलियो से अभी तो बेचना चाहिए। बाकी यहाँ फ्यूचर में कुछ अपडेट होता है, बाय करने का सिनेरियो बनता है, डेली चार्ट पर, डेफिनेटली हम उसको बाय करके चलेंगे, लेकिन अभी के लिए तो स्टॉक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी आप इसको एग्जिट कीजिए, ठीक है? ये सपोर्ट लेगा और सपोर्ट यहीं कहीं लेना चाहिए इसको, मेरे हिसाब से 5.5 और 6 रुपये, 6 रुपये शायद, हाँ 5.5 तक तो लेना चाहिए सपोर्ट उसको। तो देखते हैं अभी सपोर्ट कहाँ लेता है, लेकिन अभी तो आप इससे एग्जिट करो भाई, अभी ये होल्ड करने वाला स्टॉक नहीं है, ठीक है? मार्केट भी बहुत बेरिश हो रही है, तो डेफिनेटली स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ सकता है भाई। चलो।